देश में कोरोना महामारी को हराने के यत्न में फाइजर कंपनी के टीके वरतों में लियाने के बाद टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लियांदी जा रही है। यूके वालों ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वालों आजाद किए गए टीके पिछले हफ्ते परवानगी देने के बाद सोमवार को इसके टीकाकरण की वरतों शुरू कर दी गई है। इस टीका प्रक्रिया में डायलिसिस का एक मरीज ब्रायन पिंकर ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका कोविड 19 टीका प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। सेवा मुक्त कर्मचारी ऑक्सफोर्ड के चर्चिल हस्पताल में नर्स सैम फोस्टर द्वारा सोमवार को 7:30 बजे टीका लगाया गया। ऑक्सफोर्ड टीके ने 5 तो वो खुराक सोमवार तक हस्पतालों के टीकाकरण पहुँचाई गई ने। इस समय हस्पताल के 6 ट्रस्ट जो कि ऑक्सफोर्ड लंडन सुसेक्स लैंकाशायर वारविक शायर विचकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके का प्रबंधन शुरू किया गया है जिस तकरीबन 5,30,000 खुराक वरतों तैयार ने। पिंकर के अलावा 88 साल के संगीत अध्यापक ट्रेवर कॉलेट और ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी हस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट में काम करते ऑक्सफोर्ड टीके की सुनवाई के मुख्य जांचकर्ता प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड भी ऑक्सफोर्ड का टीका लगाने वाले पहले लोगों में शामिल ने। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज़ कॉम टीवी।